हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुमन यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में भारत में चिकित्सा शास्त्र का प्रारंभ का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में हमने प्राचीन भारत में जो रसायन शास्त्र है, भौतिक विज्ञान है, इनका प्रारंभ कैसे हुआ था और जो एग्जाम में जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनसे रिलेटेड वीडियो बनाए हैं। तो आपने यदि हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो चलिए पढ़ते हैं भारत में चिकित्सा शास्त्र का प्रारंभ। चिकित्सा शास्त्र में प्राचीन भारतीयों की उपलब्धियां अधिक महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं। भारत में चिकित्सा अथवा औषधि शास्त्र का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और यह वैदिक काल तक जाता है। ऋग्वेद में अश्विन को देवताओं का कुशल वैद्य कहा गया है, जो अपने औषधों से रोगों को दूर करने में निपुण थे। वे बीमार पड़े लोगों को रोग मुक्त करते थे। अथर्ववेद में आयुर्वेद के सिद्धांत तथा व्यवहार संबंधी बातें मिलती हैं। रोग उनके प्रतिकार तथा औषधि संबंधी अनेक उपयोगी तथा वैज्ञानिक तथ्यों का विवरण इसमें दिया गया है। विविध प्रकार के जबरों, यक्षमा, अपचितट अर्थात गंडमाला, अतिसार, जलोदर जैसे रोगों के प्रकार एवं उनकी चिकित्सा का विधान प्रस्तुत किया गया है। प्रतिकार संबंधी वर्तमान शल्य क्रियाओं का भी यत्र तत्र निर्देश मिलता है। उल्लेखनीय है कि इसी पद्धति पर आधुनिक होम्योपैथी चिकित्सा आधारित है, जिसका मूल सिद्धांत सम से सम की चिकित्सा है। इसी को लैटिन भाषा में सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर कहा जाता है। प्राचीन भारतीयों ने इस सिद्धांत को अपनाया था। महाभारत में विवरण मिलता है कि एक बार भीम को दुर्योधन ने विष खिलाकर गहरे जल में फेंक दिया तथा वह अचेतन अवस्था में नागलोक जा पहुंचा। वहां सांपों के काटने से उसके शरीर से विष का प्रभाव दूर हो गया तथा वह तत्काल स्वस्थ हो गया था। भूतकाल में औषधि शास्त्र का व्यापक अध्ययन होता था। जातक ग्रंथों से पता चलता है कि प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला में वैदिक के ख्याति प्राप्त विद्वान थे, जहां दूर दूर से विद्यार्थी आयुर्वेद का अध्ययन करने के लिए आते थे। इन्हीं में जीवक का नाम मिलता है। वह मगध नरेश बिंबिसार के पुत्र अभय द्वारा तक्षशिला पहुंचाया गया। वहां 7 वर्षों तक निवास कर उसने विविध औषधियों का अध्ययन किया तथा वैदिक का प्रसिद्ध विद्वान बन गया। उसका शुल्क 1600 का सरपण था। बिंबिसार ने उसे अपना राजवैद्य बनाया तथा उसने बिंबिसार प्रद्योत तथा महात्मा बुद्ध तक की चिकित्सा कर उन्हें रोग मुक्त किया था। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि मौर्य काल में चिकित्सा शास्त्र विकसित था। साधारण वैद्यों चीर फाड़ करने वाले भीजसों एवं चीर फाड़ में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों, परिचारिकाओं, महिला चिकित्सकों आदि का उल्लेख मिलता है। शव परीक्षा भी की जाती थी। शवों को विकृत होने से बचाने के लिए तेल में डुबोकर रखा जाता था। अकाल मृत्यु के विभिन्न मामलों जैसे फांसी, विषपान आदि की जांच कुशल चिकित्सक करते थे। आयुर्वेद में मनोआत्रेय का वही स्थान है जो यूनानी चिकित्सा में हिप्पोक्रेटिस का है। यूनानी संहिता में वर्णित है कि रोगों के कई वर्ग हैं, साध्य रोग, असाध्य रोग, तंत्र मंत्र द्वारा साध्य रोग तथा वह रोग जिनके उपचार की संभावना काफी क्षीण है। ज्वर, अतिसार, पेचिस, क्षय, रक्तचाप आदि के उपचार की विशेष चर्चा की गई है। इस ग्रंथ में जल चिकित्सा का भी वर्णन किया गया है। चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से ही हुई, जबकि चरक तथा सुश्रुत जैसे सुप्रसिद्ध आचार्यों ने आयुर्वेद विषय अपने ज्ञान से संपूर्ण विश्व को आलोकित किया। चरक को कार्य चिकित्सा का प्रणेता कहा जाता है।
वे कुषाण नरेश कनिष्क प्रथम के राजवैद्य थे। उनकी कृति चरक संहिता काय चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाणिक ग्रंथ है और महर्षि आत्रेय के उपदेशों पर आधारित है। अलबरूनी ने इसे औषधि शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताया है। चरक संहिता में 120 अध्याय हैं। इसमें 8 खंड हैं जिन्हें स्थान कहा गया है। सूत्र, निदान, विमान, शरीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प तथा सिद्धि। इसमें शरीर रचना, गर्भ स्थिति, शिशु का जन्म तथा विकास, कुष्ठ, मिर्गी, ज्वर जैसे प्रमुख 8 रोग, मन के रोगों की चिकित्सा, भेदोपभेद आहार, पथ्य, रुचिकर स्वास्थ्य वर्धक भोज्यों, औषधीय वनस्पतियों आदि का वर्णन किया गया है। प्राचीन वनस्पति एवं रसायन के अध्ययन का भी यह एक उपयोगी ग्रंथ है। इसमें चिकित्सकों के पालनार्थ जो व्यावसायिक नियम दिए गए हैं, वे हिप्पोक्रेटस के नियमों का स्मरण कराते हैं तथा प्रत्येक समय तथा स्थान के चिकित्सक के लिए अनुकरणीय हैं। इनमें एक वैद्य को दिए गए निर्देश जो वह अपने शिष्यों को प्रशिक्षण समाप्ति के समय देता था उल्लेखनीय है। यदि तुम अपने कार्य में सफलता, धन, सम्मान तथा मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें प्रतिदिन प्रातः उठने पर और सोने से पहले सभी प्राणियों विशेषकर गौ एवं ब्राह्मणों के कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तुम्हें सच्चे हृदय से रोगी के स्वास्थ्य के लिए प्रयास करना चाहिए। अपने स्वयं के जीवन के मूल्य पर भी तुम अपने रोगी के साथ धोखा न करो। मद्यपान मत करो, पाप न करो, तुम्हारे मित्र बुरे न हों। तुम मृदुभाषी एवं विचारवान बनो तथा सदैव अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहो। यदि तुम्हें किसी रोगी के घर जाना पड़ा, तो तुम्हें अपने वचन, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को उसकी चिकित्सा के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं लगाना चाहिए। रोगी के घर की बातों की चर्चा बाहर नहीं करनी चाहिए और न ही रोगी की दशा के विषय में उस व्यक्ति को बताना चाहिए जिससे रोगी को कोई हानि पहुंच सके। चरक संहिता का न केवल भारतीय अपितु संपूर्ण विश्व चिकित्सा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका अनुवाद भी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का तो यह विश्वकोश ही है। इसके द्वारा निर्देशित सिद्धांतों के आधार पर ही कालांतर में आयुर्विज्ञान का विकास हुआ। चरक के कुछ समय बाद सुश्रुत का आविर्भाव हुआ। यदि चरक कार्य चिकित्सा के प्रणेता थे, तो सुश्रुत शल्य चिकित्सा के। उनके ग्रंथ सुश्रुत संहिता में उपदेशता धन्वंतरी हैं और संपूर्ण संहिता सुश्रुत को संबोधित करके कही गई है। इसमें विविध प्रकार की शल्य एवं छेदन क्रियाओं का अति सूक्ष्म विवरण दिया गया है। मोतियाबिंद, पथरी जैसे कई रोगों का शल्योपचार बताया गया है। सभी विच्छेदन का भी वर्णन है। सुश्रुत ने शल्य क्रिया में प्रयुक्त होने वाले लगभग 121 उपकरणों के नाम गिनाए हैं जो अच्छे लोहे के बने होते थे। वे चिकित्सा तथा शल्य विज्ञान में दीक्षित होने वाले छात्रों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया है। उसमें वे सुइयों तथा पट्टी बांधने की विविध विधियों का भी उल्लेख करते हैं। चरक के समान सुश्रुत की ख्याति भी विश्वव्यापी थी। गुप्त काल में भी चरक तथा सुश्रुत के सिद्धांतों को मान्यता मिलती रही तथा उन्हें अत्यंत सम्मान के साथ देखा जाता था। उनके ग्रंथों को व्यवस्थित करके 6ठी शताब्दी के लेखक बाण भट्ट प्रथम ने एक संग्रह प्रस्तुत किया। मनुष्यों के साथ साथ पशुओं की चिकित्सा पर भी ग्रंथ लिखे गए। इसका एक अच्छा उदाहरण पाल काप्य कृत हस्ता आयुर्वेद है। इस ग्रंथ में 160 अध्यायों में हाथियों के प्रमुख रोगों, उनकी पहचान एवं चिकित्सा का वर्णन किया गया है। अनेक शल्य क्रियाओं का भी उल्लेख है। भारतीय चिकित्सा पद्धति 3 रसों, कफ, वात तथा पित्त के सिद्धांत पर आधारित थी। इनके संतुलित रहने पर ही मनुष्य स्वस्थ रहता था। तीनों रस जीवनी शक्ति माने जाते थे। आहार विहार के संतुलन पर भी विशेष बल दिया जाता था।
स्वच्छ वायु तथा प्रकाश के महत्व को भी भली भांति समझा गया था। प्राचीन भारतीयों का औषधि कोष अत्यंत विस्तृत था और इसमें पशु, वनस्पतियों तथा खनिज उत्पादन सभी सम्मिलित थे। अनेक ऐसी जड़ी बूटियां यूरोप में पहुंचने के पहले से ही यहाँ ज्ञात थी। इनमें विशेष उल्लेखनीय छोल मुग्र वृक्ष का तेल है, जिसे कुष्ठ रोग की औषधि माना जाता था। आज भी इस रोग की चिकित्सा का यही आधार है। भारत में परोपकारी शास्त्र को एवं धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण में चिकित्सा शास्त्र की यथेष्ट प्रगति हुई। अशोक जैसा शासक इस बात पर गर्व करता था कि उसने अपने राज्य में मानव तथा पशु जाति दोनों की चिकित्सा की अलग-अलग व्यवस्था करवाई है। चीनी यात्री फैयान लिखता है कि यहाँ धार्मिक संस्थाओं द्वारा औषधालय स्थापित किए गए थे, जहाँ मुफ्त दवाएं वितरित की जाती थी। भारतीय चिकित्सक विविध रोगों के विशेषज्ञ थे। यद्यपि शवों के संपर्क पर निषेध के कारण शरीर विज्ञान एवं जीव विज्ञान के क्षेत्र में यथेष्ट प्रगति नहीं हो सकी, तथापि भारतीयों ने एक प्रयोगाश्रित शल्य शास्त्र का विकास कर लिया था। प्रसवोत्तर शल्य क्रिया विधि थी, अस्थि संस्थान में निपुणता प्राप्त कर ली गई थी तथा चिकित्सक नष्ट युद्ध युद्ध क्षत अथवा दंड स्वरूप विकृत किए गए नाक, कान एवं होठों को पुनः जोड़कर ठीक कर सकते थे। इस दृष्टि से भारतीय शल्य विज्ञान यूरोपीय शल्य विज्ञान से 18वीं शताब्दी तक आगे रहा तथा तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के चिकित्सकों ने भी भारतीयों से इस विद्या को सीखने में गर्व का अनुभव किया। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने चिकित्सा विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार आपको हमारे YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज पे और भी कई वीडियोस मिलेंगे, तो बने रहें YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज पे।